हरिओम। अब हम किन्नर अखाड़े के छात्र शिष्य रूप में कार्य कर रहे हैं। सच्ची सेवा मेरा मानना है किन्नर ही कर सकता है इस जगत की, क्योंकि किन्नर के न आगे कोई है न पीछे है। वो जी जान से सेवा करेगा निश्चल हृदय से। और किन्नरों को हम साधना करा रहे हैं गुहा ज्ञान की, योग की। किन्नर ही सच्ची सेवा इस जगत की कर सकता है। दूसरे तो सभी धर्मों में सभी वर्णों में लोभी हैं। सिर्फ जहां तक मैंने देखा है सब जगह घूम घूम के सब जगह लोभ है, लोभ है। कब्र में पांव लटका है, लोभ है। मल मूत्र की पोटली लेके घूम रहे हैं, योनि से आके योनि में दोबारा जा रहे हैं, वही योनि को चाट रहे हैं। लोभ है, लोभ है, काम है। बड़े बड़े को देखा है लोभी और कामी है। सिर्फ हमने किन्नरों को देखा जो कि निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं। और मान सम्मान अगर उनको थोड़ा सा ज्ञान दे दिया जाए, मान सम्मान प्राप्त हो, तो किन्नर ही तीसरी शक्ति है। तीसरी शक्ति किन्नर ही है। इस धरती में शांति किन्नर ही ला सकते हैं। त्रिविधा जो शक्ति है ज्ञात्री की, त्रिविधा शक्ति वो किन्नर ही है। शिव शक्ति का स्वरूप है। शिव शक्ति के जो ओज से जो प्रकट होता है वही किन्नर स्वरूप है। मेरा मानना यही है। अब हम किन्नरों के साथ कार्य करके किन्नरों के कल्याण के लिए और किन्नरों को मान सम्मान दिलाने के लिए, मेरी नजर में किन्नरों का स्थान में श्री कृष्ण स्वरूप किन्नर हैं। श्री कृष्ण स्वरूप ही किन्नर हैं, क्योंकि महाभारत युद्ध में कथा कही गई है। अर्जुन और उल्पी नाग कन्या थी, उनके पुत्र इरावण ने अपना शीश दान किया था महाभारत युद्ध में महाकाली को, किंतु उन्होंने एक शर्त कही थी कि हम शीश तो दान कर देंगे, अपना बलि दे काली के सामने चढ़ जाएंगे, किंतु हमें एक रात के लिए शादी करनी है। जब किसी भी व्यक्ति ने अपनी लड़की उनको शादी के लिए नहीं दिया, क्योंकि एक रात बाद उन्हें अपना शीश दान करना था, तो स्वयं श्री कृष्ण उनके लिए मोहिनी रूप धारण किया, स्त्री बन गए और उनसे शादी किया। और अगले दिन उन्होंने शादी के अगले दिन ही अपना शीश मां काली के चरणों में अपने हाथों से दान कर दिया। उल्पी के पुत्र इरावण जो अर्जुन के पुत्र हैं, और वही से किन्नर धर्म की शुरुआत हुई। तभी से श्री कृष्ण ने अपना सारा श्रृंगार खो दिया और वो विलाप करने लगे, लीला रचने लगे विलाप की, क्योंकि उन्होंने इरावण से शादी करी थी अर्जुन के पुत्र से, स्त्री रूप धारण करके श्री कृष्ण ने। तो किन्नर श्री कृष्ण का ही त्रिविधा शक्ति है, तीसरी शक्ति है। किन्नर ही श्री कृष्ण का मोहिनी रूप है। मोहिनी रूप किन्नर ही है। इस सत को समाज को देना होगा और यह परमात्मा की इच्छा है किन्नरों को मान सम्मान प्राप्त हो। और किन्नर ही मेरा मानना है सच्ची सेवा कर सकते हैं समस्त विश्व में। ये परमात्मा की त्रिविधा शक्ति है, तीसरी शक्ति है। न इनको लोभ है, न इनके भीतर काम है, सिर्फ ये सेवा भाव ही करना जानते हैं। और इनको अगर ज्ञान दे दिया जाए, सच्चा ज्ञान, तो ये पूरे जगत को चेंज कर देंगे और पूरे जगत में शांति स्थापित होगी, विश्व कल्याण होगा, कल्याण होगा। हमें किन्नरों के साथ कार्य करना है। किन्नर भगवान शिव और पार्वती की तीसरी शक्ति है। यानी कि जब शिव और पार्वती की ऊर्जाओं का मेल होता है तो त्रिविधा शक्ति पैदा होती है, वो किन्नर स्वरूप ही है। इसलिए उत्तराखंड में किन्नर महादेव है। और किन्नर की एक कहानी है कि किन्नर भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप है, तो इनसे बड़ा, किन्नरों से बड़ा सेवक कोई नहीं हो सकता। ये किसी की नजर इन पर नहीं पड़ी, उनको मान सम्मान दिलवाना यही मेरा मकसद है। और समस्त चारों वर्णों में शांति स्थापित करना यही मेरा मकसद है। किन्नरों में साधना की तपस्या की शक्ति बहुत है, इसलिए मैं किन्नरों का ऋषि बना हूं।
किन्नरों का मैं ऋषि बनके किन्नरों के उद्धार के लिए और इस जगत के कल्याण के लिए कार्य कर रहा हूं। समस्त किन्नर, समस्त विश्व के किन्नर हमारे साथ हैं। भगवान श्री कृष्ण, वासुदेव, योग योगेश्वर श्री कृष्ण और माँ पार्वती और भगवान शिव इसमें हमारा साथ दे रहे हैं। यही प्रभु का आदेश है, यही प्रभु की इच्छा है। सीताराम, जय जय श्री राम।